हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और सबसे पहले नमस्कार, जय श्री राम, सबको राम राम मेरे तरफ से। और आप मेरे फेसबुक पर आप मेरा रील देखते हैं, ठीक है, और ब्लॉग भी देखते हैं, लाइक भी करते हैं, इसके लिए सबको लिए धन्यवाद दिल से। और मैं बताता चाहता हूँ, मैं देवेंद्र सिंह और बिलोंग टू बिहार से करता हूँ, ठीक है। और मेरा ज़िला गोपालगंज है, मेरा गाँव, मेरा पंचायत जमसे बाजार है। तो प्लीज़ अगर मेरा कोई भी रिलेशन से मेरा फ्रेंड देखता होगा तो प्लीज़ थैंक यू। और मैं वीडियो चालू करने से पहले आप इतना होता हूँ कि आज का मेरा ब्लॉग है कि अपना परिचय। तो बहुत मेरा वीडियो आप देखते होंगे फेसबुक पे, ठीक है, और यूट्यूब पर भी वीडियो है, लेकिन सब्सक्राइबर उस पर कम है। तो प्लीज़ अगर मेरे दोस्त हैं, मेरे गाँव के हैं, मेरे ज़िले के हैं और मेरे देश के हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर DS बिहार के नाम से है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा लाइक कीजिए। मैं भी एक दुबई में इधर एक कंपनी में काम करता हूँ और वीडियो भी बनाता हूँ। आपकी जो भी मेरे प्रदेश भाई देख रहे हैं मेरे को विदेश से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर फॉलो करें। और मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दुबई में कैसे, मतलब आदमी लोग का तनख्वाह है, सैलरी कैसे काम करता है, जो रियलिटी यहाँ का है, ठीक है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको जाकर लाइक कीजिए। और मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। हाँ दोस्तों, तो आज का ब्लॉग में यही था, अपना परिचय और हम लोग रहते कैसे हैं। तो जहाँ आप देख रहे हैं मेरा भीड़ ही है, ठीक है, यहाँ कुछ कपड़ा रखने के लिए हम टांग दिए हैं, वायर से कपड़ा रखने के। ये मेरा स्टूडियो है छोटा मोटा, तो यहाँ पर कभी हम मिक्स कर लेते हैं वीडियो, टाइम मिले तो मोबाइल पे ही कर लेते हैं। और हमारी ज़िंदगी, ये कुछ आदमी सोचते होंगे कि दुबई में बहुत पैसा कमाता होगा, ऐसा कुछ नहीं यार, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आप अगर मेंटेनेंस में आ रहे हो, मेंटेनेंस जॉब में, तो आपका तनख्वाह अच्छा मिलता है। अगर सिविल वर्क में आता हो, दूसरा वर्क में आते हो, तो थोड़ा कम मिलता है, यही है। यहाँ का जो मतलब सैलरी का हिसाब है, यानी 1200 शुरू होता है, 1200, 1400, 1800 दरहम, मतलब जानते हो कि एक दरहम का आपको 22 रुपया बनता है, इंडिया का 22 कुछ पॉइंट बनता है, तो यहाँ का यही है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम क्या बचता है आदमी, कुछ लोग सोचते हैं कि दोस्त ने भुला गया है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भुलाया नहीं है, क्योंकि हमें टाइम भी नहीं मिलता यार। किसी को पूछेगा ना, जो गल्फ में काम करता है, मेहनत जो काम करता है, ऑफिस जो ऑफिस में काम करता है, जो छोड़ दीजिए, उसका पता टाइम है, टाइम होगा कुछ, ठीक है। लेकिन जो मजदूरी दर आदमी काम करता है, मैं भी एक मजदूर हूँ, मैं भी इधर काम कर चुका हूँ और काम भी करता हूँ, ठीक है। तो जो मजदूर आदमी पूछेंगे तो उस पर टाइम नहीं है, क्योंकि उसको डिप्टी का आने में 10 घंटा और रूम पर आने के लिए लगभग 1 घंटा आइए जाता, 12 घंटा हो जाता है, खाना बनाते बनाते 14 घंटा हो जाएगा, फिर अपना फैमिली से बात करेगा तो टाइम हो जाएगा सोने के लिए, फिर वो किससे बात करेगा। डेली का दिनचर्या जो होता है वो ऐसा ही बीतता है, तो इसलिए आदमी के पास टाइम नहीं बचता, अपना रिलेशन से दूर हो जाता है आदमी, गल्फ में आके अपना फैमिली से खाली बात तो होता है। और सब आदमी यार किधर थोड़ा फैमिली का मिस करता है, क्या करेगा यार, पैसा भी ज़रूरी है लाइफ में, इसलिए जाना पड़ता है। और मैं भी ऐसा ही हूँ, हमको भी इधर गल्फ में आना पड़ता है, क्योंकि दूसरा तो चारा ही नहीं अपना, क्योंकि मैं तो इंडिया में काम किया नहीं हूँ, और छोटा सा यूट्यूब खोला हूँ अभी, तो सब्सक्राइबर भी उतना नहीं है, और मेरा एक पेज भी है, उसे लोग कुछ फॉलो करता है, अच्छा लगता है, तो जो गल्फ के बारे में बताता हूँ उसके बारे में कि कैसे, मतलब यहाँ आदमी रहते हैं, कैसे क्या करते हैं। और यही मेरा मतलब, ये हम लोग मतलब ज़िंदगी है ये यहाँ पे गल्फ में। और सब क्या बताएं, और तो आप लोग नेट चलाते होंगे, आपको मालूम है, आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और जो अगर नहीं सर्च नहीं मिलेगा वहाँ पे, आपका ये भाई बता देगा, ठीक है, गल्फ के बारे में। तो दुबई में पहले जैसा अभी कंडीशन नहीं रहा यार, बहुत अभी मतलब डिफिकल्ट हो गया है। ये लोग सोचते हैं कि गल्फ में जॉब तो बहुत है, लेकिन कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है। यहाँ पर आपको अगर इंटरव्यू करने जाओगे तो 2000 मांगोगे, वही फिर इंडिया में जाएगा, वहाँ से 1500 उठा के आदमी के लेके आएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से कंपटीशन भी है, जॉब है, सब लाइन में जॉब है, लेकिन अगर एक आदमी का जॉब बाहर निकल रहा है, वहाँ पर 50 पहुँच रहे हैं, आपका लॉक के हिसाब से आपका लॉक क्या, आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
हमारा लगता भी बैठे चल रहा है। देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या भी बन रहा है। इंडिया जाने के बाद मालूम पड़ेगा, बहुत जल्दी इंडिया में जाने वाला हूँ, दोस्तों से मिलेंगे, क्या करेंगे यार, इतना इधर कमाई भी नहीं हो पाता उतना जितना चाहते हैं हम लोग, और फैमिली से भी दूर रहते हैं, और जो भी घर वाले हैं और रिलेशन वाले वो सोचते हैं पैसा बहुत भाई कमाता होगा, तो ऐसा बात नहीं यार, पैसा इधर पता नहीं इधर किधर आता है किधर चला जाता है। मेरा नियर अबाउट 10 साल से ऊपर हो गया, क्या होता है अपना ज़िंदगी के बारे में, तो यही मेरा ब्लॉग है, ठीक है। प्लीज़ जब आपको लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो यार, ठीक है, और मेरा पेज पे नया हो तो फॉलो कर लो। अगर मेरा यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो DS बिहार के नाम से है, जो इसमें लिंक मिल जाएगा वीडियो में, जाके आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।